जॉस बटलर किरोन पोलार्ड के हाथों कैच आउट हो गए। जी हाँ, ये कैच नहीं बल्कि एक जादू था। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं विकी क्रिकी। आईपीएल 2020 का 20वां मैच अबू धाबी में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। इस मैच को मुंबई इंडियंस ने जीत लिया। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट खोए और निर्धारित 20 ओवर में 193 रन बनाए। मुंबई की ओर से 79 रन की पारी सूर्य कुमार यादव ने खेली। वहीं कप्तान रोहित शर्मा 35 रन बनाकर आउट हुए, जबकि हार्दिक पांड्या 30 रन बनाकर नाबाद रहे। क्विंटन डिकॉक ने भी 23 रन की पारी खेली, जबकि कृणाल पांड्या 12 रन बना पाए। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम बल्लेबाजी करने उतरी और दूसरी गेंद पर युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद टीम को संभालने आए कप्तान स्टीव स्मिथ भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए। उनको जसप्रीत बुमराह ने विकेट के पीछे क्विंटन डिकॉक के हाथों आउट कराया। संजू सैमसन भी इस मैच में खाता नहीं खोल पाए, उनको ट्रेंट बोल्ट ने आउट किया। वहीं महिपाल लोमरोल 11 रन बना पाए। टॉम करन ने 15 रन की पारी खेली। राहुल तेवतिया 5 रन बना पाए। जोफ्रा आर्चर 24 रन बना सके। श्रेयस गोपाल 1 रन बना पाए। अंकित राजपूत 2 रन बना पाए। कार्तिक त्यागी खाता नहीं खोल सके लेकिन नॉट आउट रहे। इस पूरी पारी में सबसे ज्यादा रन जॉस बटलर ने बनाए। एक तरह से पारी के आधे रन उनके बल्ले से निकले, लेकिन जेम्स पैटिंसन की गेंद पर एक किरोन पोलार्ड के हाथों कैच आउट हो गए। जी हाँ, ये कैच नहीं बल्कि एक जादू था, यही शब्द टीवी कमेंटेटर इरफान पठान ने भी कहे। दरअसल राजस्थान की टीम को जीत दिलाने के लिए जॉस बटलर लगे हुए थे, लेकिन अपनी पारी के 14वें ओवर में बटलर ने जेम्स पैटिंसन की गेंद को 6 रन के लिए भेजना चाहा, लेकिन लॉन्ग गॉन पर किरोन पोलार्ड खड़े हुए थे। पोलार्ड ने ठीक समय पर हवा में छलांग लगाई और एक हाथ से गेंद को रोक लिया। गेंद उनके हाथ में फंसने ही वाली थी कि उनके हाथ से छिटक गई, लेकिन गेंद पर उनकी नजर बनी हुई थी और उन्होंने दूसरे अटेम्प्ट में दोनों हाथों से ये कैच पकड़ लिया। ये कैच किसी जादू से कम नहीं था। हालांकि ये पहली बार नहीं है, अक्सर वे इस तरह के कैच पकड़ा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।